ये जीवन है, ये जो धागा है, ये जो बंधन है, धागा न टूटे प्यार का, बंधन रहे इकरार का। हर मन यहाँ है चाहता कुछ दोस्ती कुछ आस्था। हाथ से हाथ मिला, हाथ मिला, हाथ से हाथ मिला, हाथ से हाथ मिला, हाथ से हाथ मिला, प्यार के फूल खिला, हाथ से हाथ मिला, हाथ से हाथ मिला। छोटे छोटे शहरों से, खाली बोर दोपहरों से, हम तो झोला उठा के चले। ओ हो हम चले, हम चले ओए रामचंद्र रे, हम चले, हम चले ओए रामचंद्र रे। हाथ मिलाइए और बढ़ाइए HIV/AIDS पर अपना ज्ञान, और फिल्मी सितारों को जानिए बेहतर। उस्ताद बोल जमुरी, आज के एपिसोड में श्रीनिवास की स्टोरी का क्लाइमैक्स है। ओहो, तो इससे पहले कि पब्लिक हो जाए बोर, बता के आज का तेरा क्या है प्रोग्राम। अरे ये भाई क्या हो रहा है, ये माजरा क्या है? उस्ताद पब्लिक है एकदम नादान, स्टोरी से बिल्कुल अनजान। नहीं जमुरी, इसको छोड़ के बाकी सब है अकलमंद, और स्टोरी है मेरी इस झोली में बंद। तो दिखा दो उस्ताद। पकड़ जमुरी, ये देखिए। हम और आप एक साथ मिलकर दो हफ्ते पहले हमने हाथ से हाथ मिलाया कॉमेडी किंग जावेद जाफरी से, जिन्हें सलाम नमस्ते में बेहतरीन एक्टिंग के लिए 2006 आईफा बेस्ट कॉमेडियन अवार्ड भी मिला। एग्जैक्टली, आई डोंट ट्रस्ट इंडियन वाइब्स। What I always say about Indians. अब जावेद जैसे ऑलराउंडर फिल्म स्टार के लिए उन्हीं की टक्कर का युवा स्टार ढूंढ निकालना हमारे लिए किसी चुनौती से कम नहीं था, पर हमारी तलाश सफल हुई हैदराबाद आकर, जहां हमें मिले पी श्रीनिवास, जो खुद अपने आप में एक ऑलराउंडर है। श्रीनिवास एक डांसर होने के अलावा एक अभिनेता और एक डायरेक्टर भी है। अगर डांस सोसाइटी के लिए है तो सोसाइटी का इश्यूज लेके आप डांस करो, लोग देखना पसंद करेंगे। HIV पर जानकारी फैलाने का उनका अंदाज भी कुछ हटके है। मैं फन और एंटरटेनमेंट के साथ HIV/AIDS के इश्यूज को बोलना शुरू कर दिया था। श्रीनिवास अपनी संस्था नृत्यांजलि एकेडमी के जरिए कई तरीकों से लोगों को HIV पर संदेश देते हैं, ताकि लोग HIV के बारे में खुल के बात कर पाएं और उनकी बात अच्छी तरह समझ पाएं। इन्हीं तरीकों में से है एक कॉन्डम कठपुतली। ये कॉन्डम कठपुतली लोगों में काफी लोकप्रिय है। मैंने एक मैजिक बॉक्स बोल के एक बनाया, एक प्लास्टिक बॉक्स है, ऑर्डिनरी प्लास्टिक बॉक्स, और दो रिबन रहता है। अब बचपन में हम लोग देखते ना वो बायोस्कोप, बायोस्कोप सेम बायोस्कोप जैसा रहता है, उसमें हम HIV जिस तरह से फैलते हैं वो बताते हैं। एक छोटा सा मटेरियल है जिससे हमको सबको पता चल जाए। इसके अलावा श्रीनिवास कागज के पुतलों के माध्यम से लोगों को समझाते हैं कि HIV किस प्रकार फैलता है और कॉन्डोम के प्रयोग से कैसे इसे रोका जा सकता है। यही नहीं, श्रीनिवास HIV पर लोगों को जागरूक करने के लिए तेलुगु में कई म्यूजिक एल्बम्स भी बना चुके हैं। फिर हमें पता चला कि हमारे ये कलाकार युवा स्टार भी मिलना चाहते हैं जावेद जाफरी से, और इसके पीछे है एक खास वजह। अगर जावेद जी और मैं अगर दोनों मिल गया तो जनरली लोगों को एंटरटेनमेंट तो मिलता है, साथ में साथ HIV/AIDS के बारे में कुछ मैसेज भी जाता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं जावेद से हाथ मिलाऊं। बिल्कुल मिलेंगे और चुनौती भी देंगे। चुनौती? चुनौती पूरी करने के लिए श्रीनिवास ने न सिर्फ HIV पर एक गाना रिकॉर्ड किया, बल्कि डायरेक्टर बन के उसका म्यूजिक वीडियो भी बनाया। एक्शन।
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57
कुछ एचआईवी एड्स के बारे में पंचलाइन दे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। ओके, कॉन्डोम सुरक्षा, एचआईवी और एड्स से रक्षा। एक्सलेंट, आपका पायलट एक ही। ओके, आओ मेरे पास, आओ मेरे भाई, आ मेरे गले लग जा। वेरी गुड, वेरी गुड। और फिर श्रीनिवास हैदराबाद से सीधे पहुंचे उदयपुर, जहां जावेद अपनी एक फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। और यहां हुई हमारे दो जबरदस्त टैलेंटेड स्टार्स की मुलाकात। अब जब जावेद और श्रीनिवास मिले हैं तो कुछ धमाल तो होगा ही। कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं, लाइक यू नो, एक इवेंट जैसा। हाँ, एक इवेंट की तरह कि जहां लोग भी आए और हंसी मजाक के जरिए कभी सम्मेलन टाइप से। इट इज जो अच्छे लोग हैं जो बोल सकते हैं और हंसी मजाक के साथ इस मैसेज को भी साथ में शामिल कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। आरो साहिबान, बताइए, है ना हमारे युवा स्टार में बहुत जान। ये हुई ना बात, और अब बारी है, और अब बारी है उस्ताद, किस चीज की बारी है? जबूरी, तेरा दिमाग बहुत है, चल गया। तुझे जरूरत है एक ब्रेक की, और पब्लिक कहीं ना जाइए, जावेद और श्रीनिवास को मिलते हुए देखने वापस आइए। என்னடா திச்சு பேடு முத்து பின்னாடி வேங்கம்மா ரஜினி காந்தன் तो क्या हो रहा है वो हंसी का जो प्रोग्राम कहते नहीं थे इस गॉन अहेड कुछ आगे बढ़ी या yeah, मैं सब कुछ देख रहा हूँ वो बहुत बढ़िया सा नाम हम रखा है नाम मैं तो आपका भी आई वांट सम सजेशंस फ्रॉम यू मैं वो सोच रहा हूँ हाहाकार यार उस्ताद तुम तो एकदम उस्ताद पिदरो निकले एकदम हिंदी वर्ड्स पे प्ले कर रहे हो पन हाहाकार का हाहाकार या हाहाकार लोग जो भी आता है तेलुगु छोड़ के हिंदी में आ जाओ तुम क्या करो वहाँ बैठ के नहीं नहीं तेलुगु में बहुत बहुत बढ़िया और वो प्रोग्राम के लिए मैंने एक पांच या छह लोगों को बुला रहा हूँ जो हंसी में मैं बोलता हूँ बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं वो लोग। ओके, तो अब आ कौन कौन रहा है आपको शायद नाम हिंदी में याद नहीं रहते होंगे तो तेलुगु में बोल दीजिए उनके नाम हम ट्रांसलेट कर देंगे उनके नाम। वो है सोचो क्या सोचो मत सोचो मैं वही हूँ पराग कंसारा जुगाड़ क्योंकि काम करता हूँ निस्वार्थ नाम है एकेश पार्थ मेरा नाम है विनोद बजाज बात कहता हूँ आपको एक आज मेरे बालों पे मत जाना मुझे सबसे पसंद है हरियाणा शाम का तो प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया आएगा और मेरा म्यूजिक कैप्सूल भी उस दिन उधर दिखाएंगे होप एवरीथिंग विल कम आउट कंडोम कठपुतली तो हम देखने जाए तो आप भी आइए और हमारे साथ झूमिए कार में हाथ से हाथ मिला
हाथ से हाथ मिला। हाथ से हाथ मिला। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा हमारे एक और साथी को। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए जावेद जाफरी का। जावेद थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का। नमस्कार आदाब। मेरा इस प्रोग्राम से नाता यही है कि जब मैंने देखा कि एक्चुअल प्रॉब्लम जो है लगता कुछ नहीं है, हम बड़े कैजुअल लेते हैं, अरे हाँ एड्स, हाँ एचआईवी, हाँ पता नहीं लोगों कैसे होता है, ये है क्या चीज़। तो इसीलिए युवा स्टार जो चुनते हैं, जो हमारे आज के युवा स्टार हैं, श्रीनिवास हैदराबाद के पास वहाँ काम करता है आंध्र प्रदेश में, ऐसे कई लोग हैं जो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो भी वो कर सकते हैं, इन्होंने चूज़ किया कि अपने वक्त को इस चीज़ की तरफ, अपना समय ही नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी का काफ़ी एक हिस्सा जो जवानी है उनकी, तो उनको ये सल्यूट है ये शो युवा स्टार जो हम कहते हैं हाथ से हाथ मिला। प्लीज़ वेलकम श्रीनिवास। पहले तो मैं सबको नमस्कार बोलता हूँ। क्षमा कर दीजिए, मेरा हिंदी अच्छा नहीं होगा, अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो प्लीज़ एक्सक्यूज मी। कोई बात नहीं, कमल हासन की भी अच्छी है। मैंने ये काम 10 साल पहले जब लोग एचआईवी एड्स के बारे में सुनना या बात करना ठीक नहीं समझते थे, जब से मैंने शुरू करा था। आपने कितने लोग देखे होंगे नहीं मालूम, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में ऑलमोस्ट 100 छोटे छोटे बच्चे हैं जो एचआईवी पॉजिटिव है। उसने कुछ नहीं किया, बस अपने माँ के गोद में पैदा हुआ, इसके वजह से उसको वो लोग एचआईवी पॉजिटिव हो गए। जब से पैदा हुए लोग उसको छूते नहीं, जब बड़ा हुआ स्कूल में लेते ही नहीं, बच्चा का जो भी राइट्स चाहिए वो कुछ नहीं मिलता है। और एक दिन बिना न्यूट्रिशन के, बिना स्कूलिंग के, कुछ नहीं हुए, बस एचआईवी पॉजिटिव बच्चा 5 साल में मर जाता है। आदमी आदमी से छूने से कुछ नहीं होगा, प्यार बढ़ती है, मोहब्बत बढ़ती है। श्रीनिवास युवा स्टार नहीं, आप सब भी युवा स्टार बन सकते हैं। एचआईवी एड्स के बारे में बात करिए, प्यार बढ़ाइए, मोहब्बत बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू माय वर्ड्स। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा पराग कंसारा को। प्लीज इनके लिए जोरदार ताली। शुरुआत करेंगे हंसने के साथ। मुझे एक अच्छी बात याद आ गई, मुर्गियाँ भी आजकल सोचती है एचआईवी के बारे में। हाँ सही में इसका एक नमूना मेरे पास आया था, अंडा फोड़ा खाली निकला, शायद उन्होंने कॉन्डोम यूज किया हो। शादी नहीं करने से सबसे बड़ा फायदा क्या है, तो बोले बिस्तर की दोनों तरफ से उतर सकते हैं। बीवी से बहुत डरते, बार बड़ी बड़ी डिंगे मारते, घर में जाते ही बिल्ली बन जाते, इतना बड़ा शॉर्ट्स पहन के झाड़ू लगाते। मैंने देखा है सब डरते, आप डरते, मैं नहीं डरता। मैं तो उसको ऑर्डर करता हूँ बाल्टी भर के पानी लाओ पानी लाती, साबुन लाओ साबुन लाती, पाउडर लाओ पाउडर लाते, लेकिन कब, जब मैं कपड़े धोता हूँ तब। भाई ये भी करना पड़ता है, बहुत भाई लोग करते होंगे, मुझे यहाँ से दिखता है कौन कौन करता है, जो हंसता नहीं सब यही काम करते हैं। बगल में भाभी जी बैठी होगी, ऐसे कौन ही मारेगी, देख तेरी बात हो रही है। मेरी वाइफ प्योर गुजराती, उसको हिंदी नहीं आती, अंग्रेजी नहीं आती, फिर भी बोलने की कोशिश जरूर करेगी। अभी साड़ी वाड़ी पहन के तैयार होके नहीं, मैं कहाँ जा रही, बोले मेरी सहेली का वेल्डिंग है। बोला क्या वेल्डिंग, बोले सीजन चल रही है वेल्डिंग की, शादी शादी। मैंने बोला उसको वेडिंग बोलते, वेल्डिंग नहीं बोलते, बोले तो दोबारा कर रही है। मैंने बोला तो वेल्डिंग सही है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ हर कोई हंस हंस के लोटपोट हो गया है, लेकिन इससे पहले कि हमारे अगले हास्य कलाकार स्टेज पर आए, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। हाथ से हाथ
हाथ से हाथ मिला। कभी मैं भी बच्चा था, स्कूल में पढ़ा था, लेकिन आपको एक भी दिन लगेगा नहीं कि मैं स्कूल में पढ़ने जाता हूँ, ऐसे लगता था थाने में जाता हूँ। आप सोच रहे होंगे ये क्यों, ये मेरे लिए इसलिए था कि हर पीरियड में मार पीटती थी। अब देखिए मिसाल के तौर पर पहला पीरियड ज्योग्राफी का, टीचर ने आते ही मुझे उठा दिया, बोला बेटा खड़ा हो जा और ये बता कि हिमालय पर्वत कहाँ है। मैंने सोचा पहला पीरियड है, कौन भौणी खराब करे, मैंने भी हाथ उठा के कह दिया जी पता नहीं पता नहीं, बेंच पर खड़ा हो जा। मैंने कहा क्यों, वहां से दिख जाएगा। ये बताओ कि शेर बच्चा देता है या अड्डा। अब हमने तो शेर का फोटो कैलेंडर में भी नहीं देखा था, हमें क्या पता क्या देता है। जब किसी ने बताया नहीं, उसने मुझे उठा दिया, मैं भी चौड़ा होकर खड़ा हो गया। मैंने कहा मास्टर बात ध्यान से सुन, शेर जंगल का राजा है, उसकी मर्जी जो मर्जी दे, हमने क्या लेना देना। फिर पिटाई हो गई। इसके बाद आया हमारा आखिरी पीरियड संस्कृत का, बड़ी आसान लैंग्वेज, किसी भी हिंदी के शब्द पर बिंदी लगाइए संस्कृत तैयार हो जाती है। लेकिन टीचर ने आके मुसीबत खड़ी कर दी, संस्कृत का सेंटेंस बोल के बोले इसकी हिंदी बनाओ, तमसो मा ज्योतिर्गमय। सब बच्चों को साम सूंघ गया, मैं ही चमक रहा था, मुझे उठा दिया, तू बता। मैंने कहा इसमें एक बच्चा अपनी माँ से कह रहा है तुम सो जाओ माँ, ज्योति को मैं घुमा के ला रहा हूं। एक शादीशुदा ने अपने आप को कुंवारा बताकर मोहल्ले की कई लड़कियों को अपने जाल में फंसाया। जब असलियत सामने आई तो लड़कियां धोखेबाज कह के चिल्लाई। लड़का बोला ये हर कोई नहीं कर सकता, ये है हिम्मत का काम। बताओ एकेश जी आपकी क्या राय है? तो मैंने कहा दोस्त यदि जीवन को बनाना चाहते हो सुखों का संसार, तो केवल जीवन साथी से करो उचित व्यवहार। पिछले दिनों बच्चे के लिए खिलौना लेने गया, मैंने दुकानदार से कहा, मैंने कहा ये बंदर कैसे दिया? बोले ध्यान से देख आईना है। जावेद भाई इतने चैनल आ रहे हैं, बच्चे खतरनाक चीज हो गए। बच्चे को आप कहीं भी रखो, कई बार गलत सीन आता है मैं बाहर चला जाता हूँ, थोड़ी देर बाद बेटा बुला लेता है पापा पापा आ जाओ, वो सीन गया। सर मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, बच्चा 5 साल से एक ही क्लास में फेल हो रहा। मैंने कहा यार तेरी क्लास में मैं पढ़ता था तो फर्स्ट आता था। बच्चा छूटते बोला आपको कोई ढंग का मास्टर पढ़ाता होगा। मुंबई में आप देखते हैं, आपने राजस्थान में देखा होगा कितने मोटे मोटे किले हैं, क्या ईंट दीवारें हैं सर, तोड़ नहीं पाता आदमी, खुद टूट जाता है बेचारा। मुंबई में आपके यहाँ एक ईंट की दीवार, अभी गया दोस्त दादाजी की तस्वीर ठोकरा कील से, पड़ोसी की दादी गिर गई। और अब मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा जावेद को। जावेद प्लीज यहां पर आइए। अरे मैं क्या सुनाऊं यार, आप लोगों को सुन के हम लोग, आपका एक अलग रुतबा है, हम अलग काम करते हैं, हम तो अपना बना लेते हैं यहाँ पे। तो ऐसी एक महफिल में हमारे एक बिहार के हैं, अब बिहार के सब लोग बोलते हैं लालू जी, लेकिन ऐसे नहीं है, बस एक जगह ही अजीब है, वहाँ के पानी में कुछ असर ही कुछ और। देखिए पैसा का बात कहा, देखिए पैसा जो होता है ना, पैसा जो है वो हाथ का माइल है, और हम देश का शुभचिंतक होने के नाते आपको सबको निमंत्रण देता हूँ, इन्विटेशन देता हूँ, आइए माइल हमारा घर में दो, ये मोस्ट वेलकम। ये हमारे देश का बात छोड़ी, अब हाल में हम अमेरिका गए तो बुश साहब ने हमको बुलाया था, कही था आइए जी कल्लू जी आइए और बूथ कैप्चरिंग पर लेक्चर विक्चर दीजिए, हमारे यहाँ इलेक्शन होने वाले। हमने कहा देखिए अजीब लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, अरे नो गन नो होलीगन, कैसा इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम गए देखा, लेकिन बहुत चीज वहां पर देखी हमने कि हो क्या रहा देश में, वहां पर तेल का बहुत कमी है, तेल को कहते हैं हमारे यहाँ पेट्रोल कहते हैं, वहां पर गैस कहते हैं, तो बोलते बहुत गैस का प्रॉब्लम है। अमेरिकन लोगों को वो जो राजमा होता है बीन्स कहते हैं उसको, हमने कहा वो ज्यादा खाना चाहिए ताकि लोग जो है बहुत नेचुरल गैस जमा हो। बात लेते हैं टबुआ में पानी भर के, हमारे यहाँ ससुराल लुटिया से काम चलता है, पूरा टब में बैठ के नहाते हैं। हमने कहा देखिए अमेरिकन पीपल शुड ईट लॉट ऑफ द बीन्स, और राजमा जो है सैटरडे नाइट खूब देर भर के खाइए ताकि संडे मॉर्निंग यू कैन हैव बबल बाथ। बिहार का दिमाग चलता है। अब जैसे हमने जावेद ने आपको पहले बताया कि हमारे इस प्रोग्राम में जावेद ने एक चुनौती दी थी श्रीनिवास जी को, एक म्यूजिक वीडियो बनाने की, तो श्रीनिवास ने ये म्यूजिक वीडियो बनाया है, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट है, बहुत सारा मैसेज है, तो आइए हम आपको ये म्यूजिक वीडियो अब दिखाते हैं। एक था राजा कहीं न टिकता, रखता कई सदियों
रिश्ता अय्याशी बस काम था उसका दूर दूर तक नाम था उसका। एक दिन राजा जब सोया था सपने में एक कंडो माया उसने राजा को ये गीत सुनाया राजा जी राजा जी राजा जी ओ राजा जी जरा संभल संभल के यौन रोग तुमको हो सकता है खतरा है एचआईवी एड्स का अगर साथ नहीं कंडोम का। पर राजा का था ये कहना कंडोम का इस्तेमाल क्यों करना तुम्हारी बातों में आके क्यों मजाक किरकिरा करना। जब कंडोम ने फायदा बताया राजा को कुछ समझ में आया राजा जी राजा जी राजा जी कंडोम के सही प्रयोग से एचआईवी का दूर होता है खतरा जिसने भी इसको अपनाया गुप्त रोग कभी पास न आया। दिमाग की बत्ती जल गई राजा की लाइफ बदल गई अपनी अय्याशी को भुलाया राजा ने एक रोल बनाया। ये जो मैसेज है ये सिर्फ मर्दों के लिए नहीं बल्कि महिलाओं के लिए भी है कि कॉन्डोम सुरक्षा एचआईवी और एड्स से रक्षा। शर्म को हटा दीजिए दिल में एक ये छोटी सी एक ठान लीजिए कि कुछ ना कुछ पड़ोसियों को दोस्तों को ये बात कहिए कहिए बिकॉज बहुत ज़रूरी है। और मैं धन्यवाद अपनी तरफ से बीबीसी हमारी टीम की तरफ से आप सबका करना चाहता हूँ कि आपने आके इतना हमारा मनोरंजन किया और साथ दिया और अपना हाथ हमारे हाथ से मिलाया। और मैं एक बार फिर श्रीनिवास जी को बुलाना चाहूँगा और आप सबको एक बार निमंत्रण दूंगा आएँ और जोरदार तालियों से आप सबका स्वागत। हाथ से हाथ मिला हंसते हंसाते हाथ से हाथ मिलाते जावेद और श्रीनिवास का सफर पूरा हो गया है। अरे नहीं सुगंधा लेकिन ये एपिसोड पूरा करने से पहले हम इन्हें एक खास बात बताना चाहते हैं प्रतियोगिता के बारे में। जी हाँ हाथ से हाथ मिला की हास्य प्रतियोगिता आपने आज का एपिसोड तो देख ही लिया तो आपको करना ये है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर एचआईवी एड्स पर आधारित एक चुटकुला हमें लिख भेजना है जिससे मनोरंजन भी हो और संदेश भी मिले। लेकिन एक मिनट सुगंधा मुझे नहीं लगता कि ये लोग एक हफ्ते में लिख पाएंगे। अगर इन्होंने आज का एपिसोड देखा है तो एक हफ्ते तक ये लोग लगातार हंसते ही रहेंगे। लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए कागज कलम उठाइए और हमें एक शानदार जोक लिख भेजिए। ये जोक ना सिर्फ हम पढ़ेंगे और लोगों को सुना के हंसाएंगे बल्कि आपको एक शानदार इनाम भी देंगे। हंसिए मत लिखिए। अपने जवाब हमें इस पते पर 7 दिनों में लिख भेजिए। हाथ से हाथ मिला पीओ बैग नंबर 8 लाजपत नगर नई दिल्ली 110024 या ईमेल कीजिए hshm@bbcwst.org पर या लॉग ऑन कीजिए www.hathsehathmila.com पर। 22 जून के एपिसोड में हमने आपसे पूछा था क्या एचआईवी एड्स की पूरी जानकारी रखने पर हम खुद को इससे बचा सकते हैं। सही जवाब है हाँ और ये भेजने वाले 3 भाग्यशाली विजेता हैं। बेलगाम कर्नाटका से नईम एन शेख, बारेच उत्तर प्रदेश से कुमारी नेहा और जलना महाराष्ट्र से उर्मिला श्रीकांत गायकवाड़। आप सबको बधाइयां। देखते रहिए हाथ से हाथ मिला हर गुरुवार रात 10:30 सिर्फ DD1 पर। ये जो मैसेज है ये सिर्फ मर्दों के लिए नहीं बल्कि महिलाओं के लिए भी है कि कॉन्डोम सुरक्षा एचआईवी और एड्स से रक्षा। हाथ से हाथ मिला मैं हूँ नेहा धूपिया। हमारे एपिसोड में कयामत आने वाली है। असली कयामत तो अभी आने को बाकी है। मतलब ये कि हमारे युवा स्टार तो कौन है नेहा की युवा स्टार जानने के लिए देखिए हाथ से हाथ मिला।